कि एक बार ब्रह्मा जी ने राजा दक्ष को प्रजापति घोषित कर दिया। प्रजापति घोषित किया तो सम्मान समारोह रखा गया। सम्मान समारोह में सब देवता पधारे, भोले बाबा भी, विष्णु भगवान भी, ब्रह्मा जी भी, सब जने आए, आकर बैठ गए। तो नेताओं की तो हमेशा आदत होती है थोड़ा देरी से आते। तो दक्ष प्रजापति भी थोड़ा देरी से आए ताकि लोग इंतजार करें। जब दक्ष प्रजापति देरी से आए तो सबने उठकर सम्मान किया, आहा पधारिए पधारिए पधारिए। लेकिन तीन लोग खड़े नहीं हुए, भोले बाबा, ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु। अब ब्रह्मा जी तो हो गए पिताजी, विष्णु भगवान हो गए परदादा। भोले बाबा ने सोचा हम में और भगवान विष्णु ब्रह्मा में क्या अंतर है, सो भोले बाबा भी नहीं भय। तो राजा दक्ष ने गौर से देखा कि सब तो सम्मान कर रहे हैं पर ये तीनों बैठे हैं, पर एक तो पिताजी हैं, दूसरे परदादा, ये तीसरे भाई साहब क्यों नहीं उठे, ये तो हमारे दामाद हैं। और जैसे ही दक्ष प्रजापति बैठ रहा और बैठते ही सुनो सुनो सुनो, देवता चौंक गए कि मुख्य अतिथि का भाषण तो सबसे बाद में होता है, ये श्रीमान जी तो पहले ही दे रहे, लगता है कोई बड़ी बात ऊंची बात है। हाँ हाँ भाई गौर करो, हाँ सुनाइए महाराज। अरे देवताओं, सभ्य समाज में एक भी असभ्य व्यक्ति आ जाए तो सभा का स्वरूप बिगड़ जाता है। तो सब एक दूसरी तरफ देखने लगे, भैया यहाँ असभ्य कौन है। राजा दक्ष बोले तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा ये नंगा शिव, न बैठने का ज्ञान न उठने का ज्ञान, हमेशा भूत प्रीतों के संग रहता है, भूतों जैसी आदत। तो किसी ने कहा सरकार तुमको इतने अवगुण दिखाई दे रहे तो अपनी बेटी का विवाह क्यों किया। राजा दक्ष ने कहा वाह हम और अपनी बेटी का विवाह, ये नंगे कैसा। अरे वो तो पिताजी की आज्ञा थी, वरना कहां हमारी सुकुमारी कन्या इतनी सुंदर, और कहां ये मरकट लोचन वाला शिव। मरकट लोचन का होता अर्थ होता है बंदर सी आंख वाला। अब थोड़ा नंदी तो फनफनाए, तो भोले बाबा अगर आपकी आज्ञा हो तो हम जरा इनको डेकाडोन का लगाएं। भोले बाबा ने कहा नहीं नहीं नहीं, शांति के साथ बैठो, ये ससुराल की गालियां हैं, किसी को विवाह में मिलती, हमें शादी के बाद मिल रही है, प्रेम पूर्वक पाओ। अब बेचारा नंदी भी क्या करे, चुप बैठ गया। तो राजा दक्ष तो नाराज है, अब भोले बाबा तो एकदम मुस्कुरा रहे हैं, सदानंद में रहते भोले बाबा। सोई राजा दक्ष का दिमाग और ठनक गया और चिल्ला करके बोला सुनो, आज के बाद किसी भी यज्ञ में भगवान शंकर का कोई भाग नहीं होगा, जाओ हमारा श्राप। अब तो नंदी महाराज से नहीं रहा गया, नंदी महाराज का दिमाग खराब हो गया, बहुत बक 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 सुन ली और खड़े भय तमक करके नंदी, क्यों भगवान शिव की, विष्णु की, माता पिता और गुरु की निंदा नहीं सुननी चाहिए, वरना गो हत्या बराबर पाप लगता, न कहनी चाहिए न सुननी चाहिए। तो नंदी ने खड़े होकर के श्राप दे दिया, ए दक्ष जब से आया बक 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 पिए जा रहा, जा हमारा श्राप है तेरा मुंह बकरे का लग जाए। भृगु मुनि जी वहीं पर खड़े थे अपनी डांडी पर हाथ फेरते हुए, भृगु जी बोले ए नंदी तुझे क्या लेना देना, ये ससुर दामाद का मामला तू क्यों बीच में बोला, जा हम भी श्राप देते हैं, शंकर जी के जितने गढ़ हैं सब पाखंडी हो जाएं। नंदी ने कहा वाह हमें पाखंडी का। सोई नंदी तमक करके उठे, ए बाबा ज्यादा पटर 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 बोल रहा है, जा हम भी श्राप देते हैं, तेरे जैसे जितने ब्राह्मण हैं सब मांगने वाले मंगना चटकार ब्राह्मण बन जाए, जा हम ब्राह्मणों को तो तब से ही मांगने का श्राप लगा है। अब तो भोले बाबा ने मन में विचार किया कि हम आए थे सम्मान समारोह में, ये तो श्राप समारोह चल रहा है, बड़ा विचित्र छिड़ गया। भोले बाबा ने सोचा यहाँ से भाग लेने में ही सार है। सोई नंदी का हाथ पकड़ा, ए चलो। अरे नंदी बोले थोड़ा और मजा ले लो। अरे भोले बाबा बोले कहाँ मजा ले लो, तुम श्राप में कहीं हमको भस्म और मत करवा दो, चलो यहाँ से। और भोले बाबा चले, माँ सती को नहीं बताया। और राजा दक्ष का दिमाग ठनक गया, एक तो क्रोध में, दूसरा मुस्कुराए, अब भोले बाबा तीसरा चले भी गए, रहते तो थोड़ा ताव और दिखाते। तो राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया, सबको न्योता दिया पर भोले बाबा को नहीं दिया। आखिरी यज्ञ इसीलिए रखी थी कि भोले बाबा को नीचा दिखाएं। देवता भी बड़े चतुर होते हैं, कई बार पड़ोसी भी जले पर नमक छिड़कने का काम बहुत अच्छा करते हैं। तो जब यज्ञ के लिए सब देवता जाने लगे तो सब पुष्पक विमान कैलाश पर्वत के ऊपर से लिए जा रहे ताकि भोले बाबा का ध्यान जावे। विमान लेकर जाने लगे तो एक विमान में गंधर्वियां गाती हुई जा रही थी। माँ सती ने गौर से देखा तो माँ सती ने आवाज लगाई, अरे ओ गंधर्वियों कहाँ जा रही, ओ हो अरे सती तू अभी तक घर पे बैठी है,
तुझे पता ना है तेरे पिताजी ने कितने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। ओ हाँ हाँ पता है तुम चलो 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 मैं अभी आई। झूठ बोल दिया। माँ सती भोले बाबा के पास आई तो माता सती चरणों को दबाने लगी। भोले बाबा बोले देवी जी आज बड़ी सेवा हो रही, क्या कारण है? तो सती ने कहा महाराज ये तो हमारे धर्म पत्नियों का धर्म है पति के चरणों की सेवा करना। देवी जी क्या कारण है? सती माँ ने कहा जरा शब्दों पे गौर करना, हे भोलेनाथ स्वामी आपकी ससुराल में आपके ससुर जी ने एक सुंदर यज्ञ का आयोजन किया। देवी कोई चिट्ठी पत्र आया? महाराज आया तो नहीं है पर डाक गड़बड़ा गई होगी, वहां से डाक तो चली होगी गड़बड़ा गई होगी। नहीं 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 आज तक जो छिपा कर रखी थी वो बताई, वो है सम्मान समारोह वाली। और भोले बाबा ने कहा जिस घर में जाते ही आपको देखकर प्रसन्नता ना हो ऐसे घर नहीं जाना चाहिए, चाहे सोना बरस रहा हो। लेकिन सती नहीं मानी, गई, कथा सबको पता ही है, शरीर त्याग दिया, आवेश में गुस्सा में श्राप दे दिया और शरीर सती ने त्यागा। नारद जी ने सारा वृतांत भोले बाबा को सुनाया। बाबा माँ सती ने प्राण त्याग दिए। ओ हो बाबा विश्वनाथ के मन में क्रोध भर गया और एक जटा निकाली और एक बाल निकाल करके जमीन पर पटका। विशालकाय शरीर लेकर के एक गण प्रकट हुआ, वीरभद्र भगवान की। हे वीर जा तेरा कल्याण हो, नाम पड़ गया वीरभद्र। जा करके राजा दक्ष के यज्ञ में खबर लो जरा। वीरभद्र ने भूत प्रेतों को लिया और भूत प्रेतों को लेकर के चला वीरभद्र। विशालकाय तूफान आता देख राजा दक्ष डर गए। तब तक भृगु जी ने कहा भाई ये तूफान कैसा? किसी देवता ने कहा तूफान नहीं है, ये भोले बाबा का कोप है। भोले बाबा नाराज हो गए और वीरभद्र ने जैसे ही यज्ञशाला में प्रवेश किया तो देवता भागने लगे। वीरभद्र बोले भाग के कहाँ जा रहे हैं, जरा यज्ञ का प्रसाद तो खा कर जाओ, बिना पंगत पाए मत जाओ। सब देवताओं को बांध दिया और देवताओं को बांधा तो वीरभद्र बोले बताओ गणो भूत प्रेतों क्या करना है? तो जो गण पहले आए थे वो बोले सरकार ये जो पूखा देवता है ना पूसा देवता, जब हम पिट रहे थे ये बड़े दांत दिखा रहे थे 3200। अच्छा हाँ, एक मुक्का बनाया वीरभद्र ने, उनके 3200 स्वाहा कर दिए। ले और बताओ, गण हाथ जोड़ करके बोले सरकार ये जो भग देवता है ना, जब हम पिछली बार आए थे जब माँ सती प्राण त्याग रही थी तब ये बड़ी लंबी लंबी बड़ी बड़ी आंखें चला रहे थे पटर पटर। अच्छा हाँ, वीरभद्र भगवान ने दो उंगलियां ली, दो ही घटा निकाल रहे। हेलो जा महाराज, हाँ ये जो डांडी वाला बाबा है ना भृगु जी, ये जब हम पिट रहे थे बड़ी डांडी पर हाथ फेर रहा था। अच्छा, वीरभद्र भगवान ने घट्टी डांडी पकड़ी, एक झटका मारो पूरे क्लीन सी हो गए, साफ हो गई डांडी, अब तो आनंद होगा। कहा जजमान जी कहाँ है भैया? यजमान जी को यत्र तत्र देखा, जजमान जी कोने में लुके, यजमान जी तो दक्ष। वीरभद्र भगवान ने पकड़ा, सिर को पकड़ा, एक झटका मारा और सिर को काट दिया, हवन कुंड में कर दिया स्वाहा। भूत प्रेतों ने यज्ञ विध्वंस कर दी, बल्लियां उखाड़ दी, हवन कुंड में लकड़ियां भर दी। दो तीन भूत प्रेत रायते के कुंड में ऐसे डूब गए, नाक पकड़ के हर हर महादेव एक बाल्टी और। भूत प्रेत रायते के कुंड में उतराने लगे, यज्ञ विध्वंस हो गए, देवता सब रोने लगे। रोते रोते देवता जिसकी आंखें चली गई, दांत चले गए, डांडी चली गई, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। बाबा बड़ी दुर्दशा हुई। ब्रह्मा जी बोले जब हमने रोकी थी तुम क्यों आए, क्यों गए? हम तो नहीं गए, तुम लोग क्यों गए? देवता बोले सरकार गलती तो हो गई, अब क्या करें, शंकर जी के कोप से बचाओ। भैया चिंता मत करो, भोले बाबा बड़े प्यारे हैं, छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा। भोले बाबा थोड़े में प्रसन्न हो जाते, थोड़े में रुष्ट हो जाते। चलो सब देवता भगवान भूत बाबन भोले बाबा के पास आए, दिव्य स्तुति करने लगे। बाबा मुस्कुराए, कहो ब्रह्मा जी ये देवता क्यों ले आए? ब्रह्मा जी बोले सरकार आपके गड़न ने इनकी दुर्दशा कर दी, हाथ फिरवा दिया ले आए के कछु तो कह दो। शंकर जी बोले जब वो पत्रों ऐसा करेंगे तो दंड पाएंगे ही पाएंगे। अरे सरकार तो विश्वनाथ कृपा करो, बताओ क्या कृपा करनी? पहले देवता आए, भृगु जी बोले महाराज हमारी तो पूरी डांडी चली गई,
लंबी लंबी दाढ़ी रहती थी, आदत थी हमारी, बात करते थे तो हाथ फेरते थे, अब काय में हाथ फेरे। देखो बाबा, पूरी दाढ़ी तो नहीं आएगी पर आगे आगे की आ जाएगी, काम चल जाएगा। अरे बोले, मरते क्या नहीं करते, भागे भूत की लंगोटी सही ले आओ महाराजा। बाबा ने कहा तथास्तु। तो आगे की थोड़ी थोड़ी सी दाढ़ी शुरू हो गई, तब से जब फेंच कट कटिंग शुरू हो गई। पूछा देवता आए, बोले महाराज हमारे तो 3200 चलेगा, एक भी दांत कम से कम दाढ़ा ही छोड़ दे, जवाब तो रात ही लड़ूगा लोचई, अभी लोचई नहीं खा पाने। शंकर जी बोले लोचई बंद कर, कुछ नहीं खाना पीना है, एक काम करो आज से तुम सत्तू खोल के पिया करो। हाँ, सत्तू खोल लिया करो, पी लिया जाओ, तथा जय हो बाबा, कम से कम प्रसन्न तो करो। दूसरा देवता है भग देवता, महाराज हमारी तो दोनों आंखें ही चली। शंकर जी बोले देखो भाई, आंखों का स्टॉक तो खत्म हो गया, आंखें तो मिलेंगी नहीं, एक काम करो तुम अपने मित्र की आंखों से देख पाओगे, जाओ हमारा आशीर्वाद है।